हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो है सेंट एक्सपेडाइटिस की प्रेयर के लिए। जब हम बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अचानक से लगता है कि कोई ऐसा प्रेयर, कोई ऐसा मंत्र हम कर लें जिससे कि तुरंत हमें वो इफ़ेक्ट मिल जाए, वो रिज़ल्ट मिल जाए, वो ब्लेसिंग्स मिल जाएँ। ठीक है, सो ये सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर है यहाँ पे। एंड हम सब जानते हैं सेंट एक्सपेडाइट के मिराकल को, आप सब देख चुके हैं। बाकी जो एक और वीडियो है उसमें, जिसके प्रेयर को करके बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को एकदम मिराकुलसली ख़त्म कर लिया है। ठीक है, सो ये बहुत बहुत मिराकुलस प्रेयर है सेंट एक्सपेडाइट की। सो आज ये जो प्रेयर है वो हम करेंगे सिर्फ अपने अपने जो भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों को लेकर के। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे फंस जाते हैं एकदम से, कहीं से पता नहीं चलता, कहीं से दिखाई नहीं देता कि कहाँ से हम पैसे लें, कहाँ से हमें पैसे मिल जाए उस टाइम पे, और बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे ये प्रेयर आप लोग करेंगे। ठीक है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ जो लोग वैसे भी करना चाहते हैं कि हम हमेशा एक मनी का फ्लो ज़िंदगी में बना रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, मनी के लिए ब्लेस्ड रहे आप हमेशा, वो भी कर सकते हैं। इस प्रेयर को 7 डेज करना है, कंटिन्यूस 7 डेज कीजिए। पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। दिन के पूरे वक्त में कभी भी बैठ के इस प्रेयर को कीजिए। ठीक है, और आपको इसको करने के लिए, जैसा कि हम सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर जब करते हैं तो हम हमेशा एक कैंडल जला के करते हैं, और वैसे भी किसी भी डिवाइन पावर से जब आप प्रे करते हैं तो ज़रूर एक मोमबत्ती ज़रूर जला के तब प्रे करिए। ठीक है, कई लोग सिंपल भी कर लेते हैं, बट देन आई वुड रिकमेंड कि जब आप डिवाइन पावर से प्रे कर रहे हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें हमारे मन में होनी चाहिए। ठीक है, सो हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ ये एक प्लेट, और ये प्रेयर मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने जा रही हूँ साथ में। मैं बोलूँगी मेरे साथ साथ, आप उस लाइन को रिपीट कर सकते हैं, या मैंने थोड़ा पॉज भी दिया हुआ है हर लाइन के बाद ताकि आप उन लाइंस को रिपीट कर पाओ। जब मैं प्रेयर के बीच में बोलती हूँ कि आप अब अपनी जो भी इच्छा है, प्रार्थना है, वो बोलिए, उस वक्त एक लंबा सा पॉज है, उस टाइम पे आप लोग अपनी अपनी विनती, प्रार्थना, जो भी मन में आ रहा है, ठीक है, नो प्रेजेंट टेंस, नो पास्ट टेंस, सिर्फ रिक्वेस्ट की तरह जो इच्छा, जो विनती है वो वहाँ बोलिए। ओके, वो करना है आप लोगों को। अच्छा, ये प्रेयर पहले इंग्लिश में है, उसके बाद तुरंत इंग्लिश ख़त्म होने के बाद हिंदी में भी प्रेयर है, तो जिन लोगों को हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी में है, और जिनको इंग्लिश में, उनके लिए इंग्लिश में। तो पहले इंग्लिश, इंग्लिश ख़त्म होने के बाद तुरंत हिंदी में प्रेयर है। सो ये साथ में कीजिएगा, प्रेयर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस प्रेयर को स्टार्ट करने के लिए मैंने ग्रीन कैंडल लिया है, बिकॉज ग्रीन कलर किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड है मनी के साथ। और यस, ग्रीन कलर का अगर कैंडल नहीं है तो आप सिंपल वाइट कलर का कैंडल भी ले सकते हैं। एक ही कैंडल आपको पूरे 7 दिन यूज़ करना है। ओके, इस कैंडल को यूज़ करने से पहले एक काम कर लीजिएगा, इसमें मैंने थोड़ा सा जो हमारा स्पेल होता है उसका भी मैंने यहाँ पे मिला दिया है ताकि बहुत इफेक्टिव हो जाए ये प्रेयर। आप इसमें एक नाइफ से या किसी भी पेन से, कैसे भी, इसमें 7 सेक्शंस बना दीजिएगा। ठीक है, गोल करके इस तरह से 7 जगह निशान बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 1, 2 बना दिया मैंने यहाँ पे, देन 3rd राउंड करके पूरा राउंड में निशान आ जाए। ओके, थोड़ा कार्विंग, मतलब जो हम कार्व करते हैं ना, वो कार्विंग करनी है आपको। ठीक है, तो 7 सेक्शंस बना दिए इस तरह से कार्व करके। ऐसे ही कार्विंग कुछ आप लोग भी कीजिएगा। ओके, ऐसे कार्विंग करके आप इस कैंडल को इसके बाद बर्न करेंगे। ठीक है, इस कैंडल को जब बर्न करोगे आप, बर्न करने के बाद अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेंट एक्सपेडाइट को याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ सेंट एक्सपेडाइट को याद करते हुए, और फिर अपनी अपनी इस कैंडल को देख के, इसके फ्लेम को देख के आप प्रेयर कर सकते हो। बहुत पहले जो प्रेयर था उसमें था कि आप सेंट की पिक्चर निकाल के उनको लगा करके उनके सामने प्रेयर कर सकते हो। अगर पिक्चर नहीं है कोई बात नहीं, आप सिर्फ कैंडल जलाइए, सेंट को याद कीजिए इस फ्लेम में देख करके, और ये फर्स्ट डे, फर्स्ट सेक्शन तक कैंडल जलेगा। उसके बाद आप इस कैंडल को बुझा देंगे। ओके, इसको शांत कर देंगे, जैसे भी आपको करना है। इसके बाद सेकेंड डे, जो सेकेंड सेक्शन बनाया है आपने, वहाँ तक जलेगा। थर्ड डे, थर्ड सेक्शन तक जलेगा। इस तरह से ये 7 दिन तक ये प्रेयर आपको करनी है कंटिन्यूअस, फॉर फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, और यस, जितने भी हमें पैसों की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। समझ गए सब लोग? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं हो।
और इस प्रेयर के बाद ऑफरिंग भी करनी है आप लोगों को। जब आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, तब आप लोग जो भी ऑफर्स करना ऑफर करना चाहे, स्वीट्स है, केक है, कुछ भी, तो वो आप ऑफर करेंगे जैसे बाकी के सेंट एक्सपेडाइट के प्रेयर में करते हैं। वापस से एक कैंडल जला के कहीं पे एक प्लेट में रख के, ओके, और वहाँ पे फिर आप जो भी ऑफर करना चाहते हैं उसको ऑफर करेंगे। उस ऑफरिंग का करना क्या है, आप बांट सकते हैं, आप बच्चों में बांट दीजिए, घर में बांट दीजिए, खुद खा लीजिए, ओके। सो बहुत सिंपल रख के ये प्रेयर हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, पैसों के लिए, पैसों की दिक्कत को खत्म करने के लिए, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर को। आप लोग अपनी अपनी आईज क्लोज करके पहले थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ओके। इसके बाद इस फ्लेम को देखते रहिए और फ्लेम को देखते हुए यहाँ जो जो लाइन्स मैं बोल रही हूँ वो साथ में रिपीट करते जाइए। Prayer to Saint Expedite. I call for the power and the presence of Saint Expedite in my time of financial trouble. I offer my body, heart, mind and soul upon your altar of light. I have faith and trust and complete confidence that you will be my strength, in the time of need, quickly come to my assistance. Bring to me now, please clearly express what you want and ask him to find a way to get it to you. My financial need is urgent. Be my light and guide in this situation so that I may live with peace, love, prosperity and abundance, and in the praise of God. Amen. Now, promise to give Saint Expedite a specific offering of your desires, of your choice when it gets granted. Also, please promise to Saint to speak his name to rest of the world when your wish gets fulfilled. अब हम Saint से हिंदी में प्रेयर करेंगे। आर्थिक तंगी के लिए प्रार्थना। हे सेंट एक्सपेडाइटर्स, इस आर्थिक परेशानी में आपकी शक्ति और उपस्थिति
दोनों ही की ज़रूरत है मुझे। मैं शरीर से और मन से अभी इस पवित्र जगह पर आपको समर्पित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और आप में मेरी पूरी श्रद्धा है कि आप इस जरूरत के घड़ी में मेरा साथ जरूर देंगे। मेरी हिम्मत मुझे शक्ति भी देंगे। आप जल्द से जल्द मेरी सहायता कीजिए, मुझे सहारा दीजिए। मुझे अब आप सभी अपनी इच्छा बोलिए और उसे पूरा करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना कीजिए सेंट एक्सपेडाइट से। मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस वक्त रोशनी दीजिए, रास्ता दिखाइए ताकि मैं शांति से, खुशी से, प्यार से, सम्मान से और भरपूरता के साथ जिंदगी बिता सकूं। आमेन। अब सेंट एक्सपेडाइट को कुछ अर्पित करने का वादा करें। जब आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आप जो भी अर्पित करेंगे उसका वादा अभी कीजिए। इसी के साथ ये प्रार्थना हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सेंट एक्सपेडाइटर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।